तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मियां मुआज़ बिलाग में थोड़ा ब्रांड न्यू वीडियो साथ। आज की इस वीडियो में यार मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अपने पीसी में लाइव वॉलपेपर कैसे लगा सकते हैं, ठीक है, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है ना। और यार लाइव वॉलपेपर आप लोग कोई सी भी वीडियो भी लगा सकते हैं, ठीक है, अपनी कोई सी भी वीडियो लगा सकते हैं, कोई वीडियो नेट से डाउनलोड करके वो भी लगा सकते हैं, उसकी ऑडियो भी म्यूट कर सकते हैं, उसकी ऑडियो भी रख सकते हैं, ठीक है। काफी ज्यादा फीचर है और ये हमें बिल्कुल फ्री में देखने को मिल रहा है, वो भी स्टीम में, ठीक है। फुल सेटअप आप लोगों ने कैसे करना है वो भी बताता हूँ, ठीक है। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, मैंने एक वॉलपेपर लगाया था हुआ, ठीक है ना, तो वो मैं आपको पीसी स्क्रीन में ले जाके दिखाता हूँ। तो बिना टाइम लेते चलते हैं पीसी स्क्रीन में। आ गया मैंने पीसी स्क्रीन में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने ना एक वॉलपेपर लगाया हुआ लाइव वॉलपेपर, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप कैसे लगा सकते हैं यार, आप लोगों ने सबसे पहले अपना स्टीम लॉन्चर खोलना है, ठीक है। स्टीम लॉन्चर मैंने ओपन कर लिया हुआ है, यहाँ पे आपने सिंपली सर्च करना है वॉलपेपर अलाइव, ठीक है। ये देखें वॉलपेपर अलाइव यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ यार, ये आप लोग देखते हैं, ये वो है सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहाँ पे ना आप लोग यहाँ पे फ्री लिखा हो, तो इसको आप लोग जैसे क्लिक करेंगे तो ये आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगी, तो वहां से आप लोगों ने इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो डाउनलोड ये ना यहाँ पे आपको शो कराएगा 240 MB का मेरा ख्याल है, मगर यार जब ये डाउनलोड है ना होता तो ये आप लोग देखते हैं सिर्फ 75 MB का है, ठीक है। तो उसके बाद मैं ना अभी इसको स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है, अभी चल रहा, तो यहाँ पे मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, तो आपको शुरू से दिखाता हूँ, ठीक है। तो ना ये ना स्टॉपिंग होने में ना थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है ना। तो ये देखें स्टॉप हो चुका है, ठीक है। मैं आपको बैकग्राउंड में ले जाकर दिखाता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है, वॉलपेपर स्टॉप हो चुके, हट चुके। तो अब आप लोगों ने दोबारा आना इधर, तो यहाँ पे लॉन्च लिखा हुआ, तो लॉन्च को क्लिक करना है, ठीक है। तो आप लोग फर्स्ट टाइम करेंगे ना ओपन, तो ऐसे ही आएगा आप लोग। तो आप लोगों ने नीचे वाला जो बटन है ना, नीचे वाला, इसको आप लोगों ने क्लिक करना है और लॉन्च कर देना, ठीक है। तो ये आप लोग देखते हैं यहाँ पे अब ये लॉन्च हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप लोगों ने ना जो जो सेटिंग्स रखनी है, यहाँ पे आप लोगों ने ऑल स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। और अगर दो पीसी हैं तो आप लोग सिलेक्ट स्क्रीन भी देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने फिट स्क्रीन साइज इसको भी कर लेना है। और यार कुछ कुछ लाइव पेपर की ना ऑडियो भी होती है, तो यहाँ पे आपने म्यूट ऑडियो रखनी है तो वो भी रख सकते हैं, अगर ऑडियो म्यूट नहीं करनी तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये ऑटो स्टार्ट बोले वो बोले पर लाइव ऑन बोर्ड, यानी कि जैसे ही आपका पीसी ऑन होना तो ये खुद ही यानी कि लग जाए ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसको आप लोग टिक कर सकते हैं, मैंने टिक नहीं किया हुआ तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने कैसे लगाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ चूज फाइल, इसको मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो भी है ना वीडियो, कोई से भी वीडियो आप लोग कर सकते, मैं इसको क्लिक करता हूँ ऐसे, ठीक है, ओपन को क्लिक करता हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, हो चुका है। तो यहाँ पे बैक आता हूँ तो ये आप देखते हैं ये लग चुका है, ठीक है, हमारे पास। तो यहाँ पे आप लोगों ने आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वॉलपेपर, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसका ना शॉर्टकट की भी है Ctrl+Alt+C, ठीक है, ये आप देखते हैं ये आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखा हुआ वॉलपेपर, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अब ये स्ट्रीम का कुछ ओपन हो चुका है। तो नीचे दो वेबसाइट ये हमें दे रहे हैं, ये वाली है, ठीक है, और एक दूसरी ये वाली, तो दोनों को क्लिक कर लेते हैं बारी बारी, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद ये आएगा, तो यहाँ पे कंटिन्यू को आप लोगों ने क्लिक कर देना है, इसको भी, ठीक है, कंटिन्यू क्लिक कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये सारे वॉलपेपर्स आ चुके हैं, ठीक है, ये सारे वॉलपेपर्स आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यार कैटेगरीज भी हैं, ये आप देखते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है लाइव वॉलपेपर, यहाँ पे कैटेगरीज भी हैं, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, देखता हूँ, ठीक है। तो सेकंड करता हूँ, तो यहाँ पे ये वाला मैंने अभी लगाया हुआ वॉलपेपर, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, पॉज, ये वाला चूज करता हूँ, ठीक है, उसको करके देखते हैं। तो ऐसे है, ठीक है। तो इसको यहाँ से डाउनलोड क्लिक करेंगे, आप 25 MB का है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे डाउनलोड होने लग चुका है, ये आप देखते हैं ये डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। तो अब सिंपली ना आप लोगों ने बैक आना है, इसको आप लोग बेशक क्रॉस करते हैं, ठीक है। क्रॉस करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ चूज फाइल, ठीक है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अब जो जिस फोल्डर में यहाँ पर डाउनलोड होगा ना वहां पे आपने जाना है, और ये वाला मेरा था, इसको मैं ओपन कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये देखे, ठीक है, अपडेट टेक्स्ट आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये आप देखते हैं अपडेटेड हो चुका है, तो इसको आप सिंपली क्रॉस कर दें, बेशक इसको भी क्रॉस कर दें, तो ये आप देख सकते हैं ये मेरा लग चुका है, ठीक है। कोड बोल पर आप लोग बैकग्राउंड से बिना इसको कर सकते हैं, तो ये बैकग्राउंड से मैं करता हूँ, ठीक है, देखते हैं कि वॉलपेपर हटता है कि नहीं हटता हमारा। तो यहाँ पे एग्जिट नाउ लिखा है, पर फिर भी वॉलपेपर हमारा लगा हुआ, ठीक है, मैंने बैकग्राउंड से भी हटा दिया स्ट्रीम। तो यार ऐसे आप बिल्कुल फ्री में लाइव वॉलपेपर काफी ज्यादा डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और उन्हें लगा सकते हैं, आप देखते हैं काफी अच्छे अच्छे उधर थे, ठीक है, वो भी आप चूज कर सकते हैं। तो यार ये वीडियो थी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।